हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है पार्ट फोर में। आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, जैसे हमने शॉप पे एक जो सब मेन्यू लगाया वैसे ही हम क्या करेंगे, इनसाइड सिल्क कैंडी पे लगाएंगे और सपोर्ट पे लगाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम यही बनाएंगे। आपको क्या करना है, जो जावास्क्रिप्ट मैंने पहले वाले जो शॉप के लिए लिखा है हम सेम वही यूज करेंगे, डिव भी हम वही यूज करेंगे। ठीक है, बस हमें इसके अंदर का कंटेंट चेंज करना है। ठीक है, तो हम वही करेंगे आज की वीडियो में। ठीक है, तो चलते हम अपने वी एस कोड में बिना कोई देरी किए। तो हम यहाँ पे एक नया डिव क्रिएट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लास देंगे, और ये क्लास में क्या करूंगा, ऊपर से कॉपी कर लूंगा। यहां से ड्यूरेशन 700 से मैं क्या करूंगा, ये इतना कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और सिंपली आपको यहाँ पे कंट्रोल वी कंट्रोल एस टू सेव, इतना कॉपी पेस्ट कर देना आपको। ठीक है, डिटो आपको कुछ चेंज नहीं करना, ये चीज करना है। उसके बाद इसमें हम क्या करेंगे, आईडी दे देंगे, जो ऊपर सब मेन्यू वन दिया था वैसे इसे सब मेन्यू टू दे देंगे आईडी। ठीक है, सब मेन्यू टू कंट्रोल एस टू सेव, बाकी जो काम होगा इस डिव के अंदर वाले डिव पे होगा। और इस डिव के अंदर एक और डिव क्रिएट करेंगे, जैसे उसमें किए थे शॉप पे जब हमने सब मेन्यू बनाया था उस पे एंटर। और इसका भी क्लास हम क्या करेंगे, ऊपर वाला कॉपी करेंगे। यहां से हम क्या करेंगे, इतना कर लेंगे कंट्रोल सी कॉपी, और इस क्लास के जगह हम क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। ठीक है, कंट्रोल वी कंट्रोल एस टू सेव। इसमें हमें क्या करना है, हमें एक चीज जो चेंज करना है, इसका हमें हाइट चेंज करना है। ठीक है, 270 के जगह मैं इसका हाइट कर दूंगा 350, क्योंकि मेरे को इसमें इमेज लगाना है। ठीक है, इस वाले सब मेन्यू में मेरे को क्या करना है, इमेज लगाना है। और उसके बाद एक और चीज मैं इसमें ऐड करूंगा, जो कि होगा इसका पैडिंग, पैडिंग जो एक्स एक्सिस में आएगा मैं उसके कर दूंगा 0। ठीक है, पैडिंग एक्स एक्सिस का मैंने क्या किया, 0 कर दिया। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें भी एक आईडी देंगे, जो ऊपर हमने दिया था 101 करके, इसमें हम आईडी देंगे 102। ठीक है, अब ठीक है, कंट्रोल एस टू सेव। अब हम क्या करेंगे, इस डिव के अंदर कुछ डिव क्रिएट करें। ठीक है, उससे पहले एक और डिव क्रिएट कर ले जिसपे हमारा सारा इमेजेस रहे। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ, एक ये इमेज है, दूसरा ये, और तीसरा ये। हमें क्या करना है, इस इमेज के नीचे कुछ टेक्स्ट लगाने हैं। ठीक है, बस इतना ही करना है। मैं क्लोज कर देता हूँ इमेज, और इस डिव को हम क्लास देते हैं। तो पहला क्लास होगा डी फ्लैक्स, मतलब डिस्प्ले फ्लैक्स। ठीक है, उसके बाद इसका हम क्या करेंगे, हाइट सेट करेंगे। तो हाइट मैं इसका कर दूंगा 350 पिक्सल हो गया इसका हाइट। उसके बाद इसका विड्थ हम सेट कर देते हैं 100%। दैट्स इट, इतना करना है हमें इस डिव के अंदर। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके अंदर तीन डिव क्रिएट करना है। ठीक है, तो डिव मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, तीन डिव हमने क्रिएट कर दिया, तीनों पे हम क्या करेंगे, ऑल्ट शिफ्ट यूज करके मल्टी कर्सर यूज करेंगे, क्लास ऐड करेंगे। और इन तीनों में सबसे पहला क्लास हम क्या ऐड करेंगे, ओवरफ्लो हिडन। ठीक है, क्योंकि हम इस पे जब भी कोई होवर करेगा तो इमेज का थोड़ा सा स्केल बढ़ाओ, आपको स्केल प्रॉपर्टी याद होगा जो जूम कर देता है इमेज को। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी लगा रहे, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, ओवरफ्लो हिडन कर रहा हूँ। ठीक है, ओवरफ्लो हिडन कंट्रोल एस टू सेव। उसके बाद हमें क्या करना है, इसके अंदर आईएमजी लगाना है। ठीक है, तो एंटर आईएमजी टैग यूज किया, उसके बाद अभी फिलहाल के लिए पहले फोल्डर का नाम दे देते हैं। ठीक है, नैव और इमेज, उसके बाद पहला आईएमजी वन इमेज। ठीक है, इतना देने के बाद हम क्या करेंगे, इस पर लिखेंगे क्लास। ठीक है, इस इमेज पे हम क्या करेंगे, क्लास लिखेंगे। तो क्लास, उसके बाद इसमें सबसे पहला चीज हाइट सेट करेंगे इसका, और उसका हाइट होगा, इसका हाइट मैं कर दूंगा 248। ठीक है, 248 पिक्सल कंट्रोल एस टू सेव। इसके बाद में क्या करूंगा, इसमें इस पे होवर लगाएंगे, होवर पे हम क्या करेंगे, स्केल प्रॉपर्टी यूज करेंगे। मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया कि स्केल प्रॉपर्टी करता क्या है, जूम इन कर देता है। ठीक है, इमेज को, ठीक है, जैसे फॉन्ट विड्थ लगाते हैं ना हम, जब भी कोई होवर करे तो फॉन्ट साइज ये हो जाए, तो वैसे ही सेम इमेज पे ये स्केल लगाते हैं हम। ठीक है, तो इस पे मैं क्या करूंगा, होवर अलन दूंगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा, स्केल प्रॉपर्टी सेट कर दूंगा। ठीक है, स्केल हाइफन, और इस पे मैं प्रॉपर्टी दे दूंगा 105 कंट्रोल एस टू सेव। और इस पे मैं क्या करूंगा, ट्रांजेक्शन लगाऊंगा और ड्यूरेशन लगाऊंगा,
और ये ट्रांजेक्शन और ड्यूरेशन में क्या करूंगा, ये पहले वाले डिप से कर लूंगा कॉपी एंड यहाँ पे कंट्रोल वी एंड कंट्रोल वी, ठीक है, कंट्रोल एस टू सेव। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, इसी डिप के अंदर एक एच टू क्रिएट करेंगे, एच थ्री क्रिएट करेंगे, ठीक है, H3, इसमें हमें क्या देना है, टेक्स्ट देना है। तो मैं एक आपको क्रिएट करके दिखा रहा हूँ, उसके बाद हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो H3 का पहला प्रॉपर्टी होगा इसका फॉन्ट साइज, तो टेक्स्ट हाइफन और मैं ब्रैकेट में दूंगा 1.8 रैम, ठीक है, इतना हम क्या करेंगे फॉन्ट साइज सेट करेंगे। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसे पैडिंग दूंगा टॉप बॉटम से, पैडिंग दे दूंगा 1 रैम, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसका फॉन्ट कर दूंगा बोल्ड, कंट्रोल एस टू सेव। हमने एक में कर लिया, मैं क्या करूंगा कॉपी पेस्ट कर दूंगा यही चीज, ठीक है, तीनों में, और टेक्स्ट हम डाल लेंगे कंट्रोल एस टू सेव। इमेज का भी नाम हम चेंज कर देते IMG1 उसके बाद 2 एंड देन 3, ठीक है, कंट्रोल एस टू सेव। अब मैं आपको क्या करूंगा, सिर्फ इस चीज के लिए मैं जावास्क्रिप्ट दिखा देता हूँ, ठीक है। उससे पहले मैं क्या करूंगा, मेरे को जिस पे होवर करने पे लगाना है वो चीज मैं दिखा दूं, इस पे होवर करे तब लगे। तो हम क्या करेंगे, हम आएंगे ऊपर जहां पे नैव बार में हमने ये चीज बनाया है, तो वहां पे मैं क्या करूंगा, सपोर्ट इनसाइड कैंडी। हमें क्या करना है, जैसे हमने यहाँ पे आईडी दिया है ना, सेम थिंग हमें यहाँ भी करना है, ठीक है। वहां पे क्लास हुआ, क्लास के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक आईडी दे देंगे, आईडी हमें क्या देना है, BTN2, ठीक है, कंट्रोल एस टू सेव। अब मैं आपको जावास्क्रिप्ट दिखा देता हूँ, ठीक है। जावास्क्रिप्ट को क्या करना है, आप यहाँ से पूरा कॉपी करो कंट्रोल सी, ठीक है, यहाँ पे आप कमेंट दे देना अपने आप से, मैं अभी नहीं दे रहा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, BTN2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, ठीक है। यहाँ भी हम आईडी को भी चेंज कर देंगे, 1 के जगह सिर्फ 2 करना है, ठीक है, बाकी कुछ नहीं करना, 1 के जगह सिर्फ 2 कर देना है, जहां जहां 1 है वहां वहां 2 कर दो, बात खत्म, ठीक है। बॉक्स 2, बटन 2, बॉक्स 2, वैसे ही करके सिर्फ 1 के जगह 2 करते जाओ, आपको कोई जावास्क्रिप्ट लिखने का जरूरत नहीं है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा, इससे पहले वाले वीडियो, तो आपको जावास्क्रिप्ट देखना पड़ेगा। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने पूरा एक एक लाइन आपको समझाया है जावास्क्रिप्ट मैंने क्या किया है, कैसे क्या वर्क कर रहा है, ठीक है। तो वो वीडियो देख लो पहले, उसके बाद आके आप ये वीडियो देख सकते हो, ठीक है। सबको 2 कर दिया, एक बार चलते हम अपने पेज, यहाँ पे हम होवर करें, देखो टेक्स्ट कैसा आ रहा है, सही आ रहा है, ऊपर से पैडिंग मिला है क्योंकि यहाँ पे टेक्स्ट नहीं है, ठीक है। इस पे होवर करते देखो स्केल आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो स्केल आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें लगा देंगे इन तीनों के नीचे टेक्स्ट, ठीक है। तो वो टेक्स्ट मैं लगा देता हूँ, ठीक है, जो H3 था हम उसमें टेक्स्ट डाल देते हैं, ठीक है। कंट्रोल एस टू सेव, हमने टेक्स्ट लिख लिया। अब चलते एक बार पेज पे, इस पे मैंने होवर किया तो देख सकते हैं आप टेक्स्ट तो आ गया कि हमें क्या करना है, यहाँ पे ये पैडिंग नहीं देना है, ठीक है, जो हमने पैडिंग दिया है ना ये हटा देना है, कंट्रोल एस टू सेव्ड एंड लेट्स चेक, ओके, ऊपर आ गया, ठीक है। इस पे होवर करने पे स्केल देखो, स्केल प्रॉपर्टी काम कर रहा है, ठीक है। हमें क्या करना है, ये बीच वाले डिप को हमें, इस बीच वाले डिप को हमें बॉर्डर देना है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सेकेंड डिप पे आ जाऊंगा, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ओवरफ्लो हिडन लिखा है, यहाँ पे मैं बॉर्डर दूंगा, ठीक है। तो बॉर्डर लेफ्ट और राइट, ठीक है, हमें क्या करना है, लेफ्ट और राइट से देना, तो बॉर्डर एल फिर बॉर्डर लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। बॉर्डर हमने दे दिया, उसके बाद हम बॉर्डर डार्क कर देंगे, ठीक है, बॉर्डर डार्क, ठीक है, कंट्रोल एस टू सेव एंड लेट्स चेक द पेज, ठीक है। तो बॉर्डर आ गया, और हम क्या करेंगे, जो पैडिंग हमने इस चीज पे दिया है ना H3 पे, Y पे दिया है, हमें क्या करना है, हमें X पे भी देना है, ठीक है। तो हम पैडिंग इन्हें एक्स में भी दे देंगे, कितना, 1 रैम, ठीक है। अब डायरेक्ट पी करके भी दे सकते थे, चारों तरफ से लग जाता, ठीक है, 1 रैम सब में देना है, ठीक है, यही चीज PX 1 रैम, यहाँ नीचे भी PX-1 रैम, ठीक है। कंट्रोल एस टू सेव एंड नाउ चेक द पेज,
ओके नाउ ये परफेक्टली सेट हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, इस पे होवर करोगे तो स्केल प्रॉपर्टी लग रहा है, ठीक है। और जैसे इस पर से माउस हटेगा ये ऊपर चला जाएगा, सेम थिंग शॉप पे भी होगा, इस पे भी होगा, ठीक है। तो हमने ये दोनों तो क्रिएट कर लिया, अब हम क्या करेंगे, सेम एग्जैक्टली शॉप पे क्रिएट करते हैं, शॉप पे बोल रहा हूँ सपोर्ट पे, ठीक है। सपोर्ट पे हमें क्या करना है, कुछ टेक्स्ट लिखने हैं बस, ठीक है। आज की वीडियो में हम इतना ही तक करेंगे, फिर नेक्स्ट पार्ट आएगा 5, उसमें हम इस पे भी लगाएंगे, ठीक है, जो लोगो है उस पे। तो आज की वीडियो के लिए हम यहीं पे क्रिएट करेंगे सपोर्ट तक, ठीक है। तो चलते वीएस कोड में और लिख लेते हैं, आपको पता ही चल गया जावास्क्रिप्ट कैसे लिखना है। अगर आपको एक एक लाइन समझना है तो जब मैंने शॉप पे क्रिएट किया वो वाला वीडियो देख लो, जो कि पार्ट 3 है, ठीक है। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलो चैनल को, ठीक है, और वीडियो को लाइक करो, ठीक है। चलते अपने वीएस कोड पे, हमें क्या करना है, इस डिप से बाहर आ जाना है सिंपल, और यहाँ पे एक और नया डिप क्रिएट करना है, और जिसपे क्लास क्या करना है, हमें कॉपी करना है, क्लास हम यहीं से कर लेंगे पूरा कॉपी, यहाँ तक आईडी भी कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। हमें आईडी सिर्फ चेंज करना है और कुछ नहीं, यहां से कंट्रोल वी और सब मेन्यू 2 के जगह कर दो इसे 3, ठीक है, कंट्रोल एस टू सेव। अब इस डिफ के अंदर सेम थिंग हम क्या करेंगे, एक और डिफ बनाएंगे, ठीक है। डिफ क्रिएट किया और क्या करना है, हम क्या करते हैं इस वाले चीज से क्लास कॉपी कर लेंगे यहां तक आईडी, ठीक है। और इसमें भी हम क्या करेंगे, स्पेस कंट्रोल वी और सो 2 के जगह आईडी हम कर देंगे 3। प्रॉपर्टी कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है, जैसा है प्रॉपर्टी आपको वैसा ही रखना है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, पहले इसका हाइट सेट कर देते हैं, ठीक है। उसमें इमेज था इसीलिए मैंने 350 दिया, इसमें हम क्या करेंगे, जो पहले वाला डिप था उसका हाइट दे देंगे जो कि है 270, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें एक यूएल क्रिएट करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, यूएल क्रिएट किए और एंटर पेज देके क्लास लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला क्लास क्या होगा, फ्लोट राइट, फ्लोट राइट, ठीक है, पहला क्लास ये हुआ। इसके बाद हम इसमें क्या क्लास देंगे, जो कि है मार्जिन, जो हम देंगे एक्स एक्सिस में 12 रैम, ठीक है। इतना देने के बाद हम मार्जिन टॉप से देंगे, तो मार्जिन टॉप दिए और मार्जिन टॉप हम इसे दे देंगे 2.5 रैम, ठीक है, कंट्रोल एस टू सेव। और इसके अंदर हम क्रिएट करेंगे 4 एलाइज, ठीक है, एंटर। और एक बार मैं क्या करता हूँ, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लो ताकि आपको अच्छे से दिखे। मल्टी कर्सर यूज करेंगे एंकर टैग लगाने के लिए, ठीक है, एंकर टैग लगा 4F में हैश, और एलआई पे हम लगा देते हैं। हमें सिर्फ एलआई पे क्या करना है, पैडिंग देना है, ठीक है, जो कि है टॉप बॉटम से, यूआई मतलब टॉप बॉटम से पैडिंग, जो कि है 0.5 रैम, दैट सेट। अब हम एंकर टैग पे क्लास लिखते हैं, ठीक है। तो एंकर टैग पे पहला क्लास क्या होगा, इसका फॉन्ट साइज एक्स हाइफन, और इसका फॉन्ट साइज हम कर देंगे 17 पिक्सल, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, इसका फॉन्ट बोल्ड करेंगे, फॉन्ट हो जाएगा बोल्ड, एंड आफ्टर दिस हम इस पे होवर लगाएंगे, जब भी होवर करेगा कोई तो टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो होवर टेक्स्ट, टेक्स्ट में हम कलर कोड लिखेंगे जो कि हम यूज करते आ रहे हैं ये क्लोन करने के लिए, ये साइड जो है 9696, ठीक है, कंट्रोल एस टू सेव। अब हम इसमें क्या करेंगे, टेक्स्ट लिखेंगे, ठीक है। तो टेक्स्ट लिख लेते हैं, मैं टेक्स्ट को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूं, ठीक है, तो यहां पे हम कर देंगे कंट्रोल एस टू सेव। अभी मैं आपको दिखाता हूं, ये अभी नहीं दिखेगा, ठीक है, क्योंकि हमने जावास्क्रिप्ट लिखा ही नहीं है, तो अभी ये कुछ नहीं होगा। यहां पे मैं आपको दिखा दूं, कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहां से यहां तक कॉपी कर लें, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, जैसे हमने ऊपर 1 के जगह 2 किया, यहां पे 3 करते चले जाए, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में बस इतना ही करना है। अभी भी मैं बोल रहा हूं आपको फिर से, अगर आपको जावास्क्रिप्ट लाइन बाय लाइन ये चीज समझना है तो आप मेरा पार्ट 3 देखो, ठीक है, उसमें मैंने आपको लाइन बाय लाइन समझाया कि कहां पे क्या चीज लिखा है और कहां पे क्या चीज एड इवेंट लिसनर लगाया है और मैंने क्यों 3-3 वेरिएबल बनाया, ठीक है। आप वो चीज देखो तो आप समझ जाओगे पूरा, ठीक है।
और अगर बीच से देख रहे हो और ऐसे भी समझ रहे हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं समझ रहे हो तो स्टार्टिंग से देख लो, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ क्लास चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, टू के जगह थ्री, क्लास भी नहीं बोल रहा हूँ, बस सिर्फ नंबर चेंज कर रहा हूँ, वन के जगह टू, टू के जगह थ्री, थ्री के जगह जो लोगो पे बनाएंगे फोर कर देंगे। कंट्रोल एस टू सेव, जावा भी खत्म हो गया, हमने कॉपी कर लिया, ठीक है। पेज कैसा दिख रहा है और जो हमने लॉजिक लगाया वो वर्क कर रहा है कि नहीं, ठीक है, तो होवर करते हैं, ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे गलती हुआ है, सब सो सब मेन्यू एंड एक और क्लास होगा, अच्छा अच्छा हमने btn बटन पे नहीं लगाया, ठीक है, तो हम आएंगे ऊपर, तो हम आ जाएंगे सपोर्ट पे, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, आईडी देंगे, आईडी जो है btn3। कंट्रोल एस टू सेव, अब वर्क करना चाहिए, चलते पेज पे, और यहाँ पे अगर मैं इस पे होवर करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो गया, ठीक है, इस पे होवर करोगे कलर चेंज होगा, ठीक है, इस पे देख रहे हो आप, इस पे आपका कर्सर रहेगा तो नहीं जाएगा, इससे नीचे आएगा तो चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सिल्क कैंडी पे भी देख सकते हो, शॉप पे भी देख सकते हो, आप शॉप वाला पार्ट वीडियो देखोगे तो उस पे आपको मैंने लाइन बाई लाइन बताया कैसे जावास्क्रिप्ट लिखा है, ठीक है, तो वो वीडियो देख लो, तो उसके वजह से आपका ये सिल्क कैंडी और ये सपोर्ट वाला जो जावास्क्रिप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल। मिलते हैं पार्ट 5 में, तब तक के लिए टेक केयर।